हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर का स्वाद में। आज मैं आपके लिए इंदौर की एक फेमस डिश लेके आई हूँ जो स्वीट कॉर्न से बनती है, और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसका फ्लेवर भी काफ़ी अलग है, इसमें काफ़ी चटपटा सा फ्लेवर आएगा। ये देखिए, आप इसके पूरा वीडियो देखिए और अंत तक देखिए वीडियो को, हमने इसे कैसे बनाया है और क्या क्या डाला है इसमें। और ये प्रोटीन से भरपूर है, आप इसे बनाइए और आप इसे इंजॉय कीजिए चाय के साथ भी और सुबह के नाश्ते में। ये देखिए, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगा और इसका टेस्ट होता है जो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे ये मक्का, ये मैंने आधा किलो मक्का ली है, ये एकदम कच्ची मक्का है, एकदम जो हम इसका दाना फोड़ेंगे तो अंदर से एकदम सॉफ्ट हो गए, कड़क नहीं होनी चाहिए मक्का, एकदम टाइट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट वाली मक्का होनी चाहिए इस तरह से, बहुत ही नरम है ये और एकदम फ्रेश मक्का है। अब हम एक कद्दूकस लेंगे, और कद्दूकस का एक तो ये बड़ा वाला साइज है और एक मीडियम वाला, हम इसे मीडियम वाला साइज है कद्दूकस करेंगे। या क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, मैं तो इसको कद्दूकस कर रही हूँ इस तरह से। चाहो तो आप इसे पूरे दाने निकाल के हल्का सा मिक्सरदार में ग्राइंड कर सकते हैं। ये मैंने सारे मक्के को कद्दूकस कर लिया इस तरह से, इसका ये देखिए इस तरह का हो जाता है ये कद्दूकस करने के बाद। अब हमने इसमें कुछ स्पाइसी बनाने के लिए मसाले लिए हैं, हमने 2-3 हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है, 1 चम्मच लिया है सरसों के दाने ये, और 1 चम्मच लिया है चीनी, 1 पिंच लिया है हींग, और 4 से 5 इन्होंने कड़ी पत्ते लिए थे इनको काट लिया है, और 1 नींबू लिया है, नींबू का ये टेस्ट बढ़ाने के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं, इसमें 2 बड़ी चम्मच घी या ऑयल ऐड करें, तो इसमें थोड़ा सा घी जो भी आप यूज़ करें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ये मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच डाल देते हैं सरसों के वो जीरा, साबुत जीरा, अच्छे से चढ़कने के बाद हम इसमें डाल देते हैं फ्राई जो हमने सरसों के दाने लिए थे, हम उसको भी इसमें डाल देते हैं, इसको भी अच्छे से चढ़कने देते हैं। अब हम हींग भी डाल देते हैं इसमें और इसे मिक्स कर लेते हैं। और हरी मिर्ची डाल लेते हैं, हरी मिर्ची को भी थोड़ा सा भून लेते हैं, और करी पत्ते डाल लेते हैं। अब हम इसमें कद्दूकस करा हुआ स्वीट कॉर्न भी ऐड कर देते हैं इस तरह से, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी तो क्या है, ये हमने जो इसमें ऑयल डाला था ये इस स्वीट कॉर्न के पेस्ट के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, जब हम इसको बाद में पकाएंगे तो ये एकदम से ऑयल को अलग करता है। हम इसमें चीनी डाल देते हैं 1 चम्मच से, थोड़ा सा ज़्यादा लिया है थोड़ा सा स्वीटनेस देने के लिए, और हम इसे चटपटा सा फ्लेवर देंगे, और इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे, ये 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें इस तरह से, ये स्वाद अनुसार नमक डाल लेते पहले, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालते हैं। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से, 1-2 मिनट के लिए हम अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखें। हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए हमने सब सारी चीज़ें खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे ढक लेते हैं, ढकने के बाद हम इसे 6 से 7 मिनट तक का पकने देते हैं मीडियम गैस पर। अभी हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में लग सकता है साइड में,
और 6-7 मिनट हो गए हैं, हम एक बार से चेक करते हैं। ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया है, और ये देखिए इस तरह का हो गया है। हम इसे अच्छे से एक बार फिर से चला लेते हैं। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे मीडियम गैस पे ही इस तरह से एक दो बार चला लेंगे, और इसमें हम नींबू भी ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमने नींबू लिया था जो, उसका रस पूरा निचोड़ के इस पर डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से ही 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए मिक्स करेंगे अच्छे से। अब ये देखिए आप, इसमें हमने जो पहले फ्राई करते वक्त ऑयल डाला था वो हल्का सा रिलीज होने लग गया, मतलब ये तैयार हो गया है। हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। अब हमने ये सर्विंग बाउल ले लिया है, हम इसे इस बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं सारा। ये देखिए एकदम खिला खिला बना है, बहुत टेस्ट अच्छा आता है इसका, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और इसमें काफ़ी सारा प्रोटीन होता है। अब ये देखिए मैंने ये सारा इसमें डाल दिया है बाउल में। ये देखिए काफ़ी तीखा चटपटा सा फ्लेवर आता है इसका। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा मिर्ची कम डालें, आप ये मिर्ची थोड़ा सा कम डालें, और इसमें आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पहले इसको मक्के का पेस्ट डाला था, तो उसके साथ साथ हम इसमें 1 कप दूध डाल के भी इसे पका सकते हैं। ये देखिए मैंने तो दूध नहीं डाला, लेकिन आप दूध डाल के भी इसे पका सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डालेंगे, इसे बारीक काट लेते हैं। ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, जो नारियल का बुरादा आता है, या आप आपके घर में फ्रेश नारियल हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, तो उसे थोड़ा सा डाल सकते हैं उसे भी। और हम इसे एक नींबू के साथ इसे सर्व करेंगे, और नींबू का जब हम इसे सर्व करेंगे तो थोड़ा सा नींबू और उसमें डाल के इंजॉय करें। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, या आप इसे नाश्ते में बना सकते हैं। ये देखिए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप कमेंट करके मुझे बताइए, और आप बनाइए, और आपका कैसा बना ये यूनिक रेसिपी आप मुझे बताइए।